बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट आवर लास्ट चैप्टर ऑफ द एमएस कोर्स ऑफ पावर जनरेशन एंड प्लांट ऑपरेशन। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस एंड डिस्कवर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ए प्लांट ऑपरेशन। So the chapter called Economic Dispatch. So let's start the introduction. A power system has several power plants. Each power plant has several generating units. At any point of time, the total load in the system is met by generating units in different power plants. Economic dispatch control determine the power output of each power plant and power output of each generating unit within a power plant, which will be minimize the overall cost of fuel needed to serve the system load. कोई भी power system किसी भी country का जो बड़ा एक network होता है उसके अंदर सैकड़ों यूनिट्स होते हैं और बीसों जो हैं वो पावर प्लांट होते हैं। तो उसके अंदर से जो लोड होता है उसको देखते हुए कि किस पावर प्लांट से हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है ताकि हमें बिजली सस्ती से सस्ती पड़े, उसकी इकोनॉमिकल इंडेक्स मिनिमम हो, उसकी कास्ट मिनिमम हो, इसका फैसला जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैच करता है। इकोनॉमिक डिस्पैच के ज़रिए किया जाता है कि हमारा गोल हमेशा ये होता है कि अगर हमें फर्ज करो मुल्क में विंटर में 10,000 मेगावाट एनर्जी इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है तो उस वक्त जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उनको किस तरह हमने सेलेक्ट करना है कि कम से कम हमारा जो है खर्चा आए। और इसी तरह जब समर में हमारा 20,000 24,000 मेगावाट पर पहुंच जाता है तो उस वक्त हमने किस तरह करना है कि कौन से यूनिट चलाने हैं कौन से नहीं चलाने, तो ये सारा जो है इकोनॉमिक डिस्पैच के ज़रिए या इकोनॉमिकल कैलकुलेशन के ज़रिए किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ द यूनिट ओवरऑल जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम से कम है। We calculate first the most economical distribution of the output of a power plant between the generating units in that plant. एक ही प्लांट में मुख्तलिफ यूनिट होते हैं, कहीं पे चार यूनिट होते हैं, कहीं पे दो होते हैं, कहीं पे छः होते हैं। तो सबसे पहले तो किसी एक प्लांट के अंदर मौजूद यूनिट्स को कंपेयर करके जो है मोस्ट इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें आनी चाहिए कि अगर एक प्लांट को मिला है फर्ज करें 1500 मेगावाट का टारगेट कि उसने जनरेट करना है और उसके आगे जो है वो तीन यूनिट हैं तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आया वो 500 तीनों को दे दिए जाएंगे या उसको देखा जाएगा कि वो जनरेट कितनी कर सकते हैं और उनमें से कौन जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है, किस यूनिट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएंगे तो हमारा ख़र्चा कम आएगा। द मेथड वी डेवलप आल्सो अप्लाइज टू द इकोनॉमिकल शेड्यूलिंग ऑफ प्लांट आउटपुट फॉर ए गिवन सिस्टम लोड विदाउट कंसीडरिंग द ट्रांसमिशन लॉसेस। जब हम किसी एक प्लांट के अंदर मौजूद यूनिट्स के दरमियान जो है वो हम कैलकुलेशन के ज़रिए सिलेक्शन कर सकेंगे कि किसको कितना लोड देना है, जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर हम मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन के अगर सिस्टम को चाहिए 10,000 मेगावाट तो वो किस तरह 8 मुख्तलिफ प्लांट्स को वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि तुम इतना जनरेट करो तुम इतना जनरेट करो, ये फैसला भी इसी प्रिंसिपल पर किया जाएगा जिस प्रिंसिपल पर किसी एक प्लांट के अंदर मौजूद यूनिट्स के बारे में हम फैसला करते हैं
कि अगर उस प्लांट को 1000 मेगावाट का टारगेट मिला है तो वो 1000 मेगावाट अपने 3 या 4 या 5 यूनिट में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसी तरीके से बिगर पिक्चर में जो है वो प्लांट्स को कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट वी एक्सप्रेस द ट्रांसमिशन लॉस एज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ द वेरियस प्लांट्स। सबसे पहले हम प्लांट्स की अपने इंटरनल फैक्टर्स को देखते हैं कि वो कितना जो है हमें कास्ट देते हैं पर यूनिट, और फिर हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लॉसेस की। अब एक प्लांट जो है वो सस्ता तो है लेकिन वो 3000 किलोमीटर के फासले पे है, और उसके मुकाबले में दूसरा प्लांट है जो कि उसकी निस्बत थोड़ा सा महंगा है लेकिन जो है वो 200 किलोमीटर के फासले पे है। तो ट्रांसमिशन लॉसेस को जब हम ऐड करेंगे वो 3000 किलोमीटर के और 200 किलोमीटर के, तो हम कंपेयर कर सकेंगे कि ऐट द एंड हमें कौन सा महंगा या सस्ता पड़ेगा। तो पहले हम कंसीडर करते हैं सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द प्लांट एंड यूनिट्स, और उसके बाद हम ऐड करते हैं उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस। Then we determine how the output of the each plant of a system is scheduled to achieve the total cost of generation minimum at the same time meeting the system load plus transmission losses. तो हमने ना सिर्फ ये देखना है कि कौन सा हमें सस्ता पड़ता है, प्लस हमने ये भी देखना है कि जितना लोड है प्लस उसके ऊपर कितने लॉसेज आएंगे, दोनों को मिला के उतनी जनरेशन करनी है। अगर फर्ज करें हम 12000 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं और हमारे सिस्टम लॉसेस 12000 मेगावाट को ट्रांसमिट करने पे जो है वो 150 मेगावाट आ सकते हैं, तो उस 150 को ऐड करके हम 12150 जनरेट करवाएंगे। अब हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट कर्व ऑफ ए जनरेटिंग यूनिट। हम इस कैलकुलेशन में जाने से पहले हमें ये 2-3 चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा और उसके बाद ही हम जो है आगे कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो इनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है इनपुट आउटपुट कर्व ऑफ ए जनरेटिंग यूनिट। पावर प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल जनरेटिंग यूनिट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। फ्यूल कॉस्ट, स्टाफ सैलरी, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन चार्जेज एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। किसी भी पावर प्लांट पे जब हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उनमें जो है ये फैक्टर जो है वो मेजरली काउंट होते हैं। फ्यूल कॉस्ट है, जो स्टाफ है जो वर्किंग कर रहा है उसके ऊपर प्लांट के ऊपर वो तमाम की सैलरीज एंड बेनिफिट्स हैं। इंटरेस्ट, नॉर्मली जितने भी प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं वो बैंक लोन से बनाए जाते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कोई भी अपनी जेब से नहीं करता, इसलिए जो है वो बैंक का लोन और उसका इंटरेस्ट देना होता है। और इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं कि आप जैसे भी कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है आप लेते हैं तो उसकी लाइफ है, एक पास करें पावर प्लांट की 30 साल एज है, तो आपने ये करना होता है कि जितनी उस प्लांट की मशीनरी की लागत है उसको आपने जो है पहले 20 साल में निकालना होता है। तो उस कास्ट को 20 बराबर हिस्सों में आप कर लेते हैं और वो कास्ट जो है उसमें से निकालते रहते हैं, और साथ साथ जो है वो ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल सके। और जो वैल्यू डी वैल्यू हो रही है किसी भी प्लांट की मशीनरी की, जैसे कोई गाड़ी नहीं खरीदें आप तो वो हर साल उसकी वैल्यू कम होनी है, तो ये जो है डेप्रिसिएशन होती है। इसके जो चार्जेस हैं कैलकुलेशन में डाले जाते हैं। फिर मेंटेनेंस कास्ट है कि जहरी बात है अगर आपका प्लांट चल रहा है तो उसकी कोई भी कोई चीज़ ख़राब होगी
ठीक होगी, उसके आप रिपेयर करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो अल्टीमेटली जो है मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है प्लांट पे, और मेंटेनेंस कास्ट भी जो है वो कास्ट ऑफ यूनिट के अंदर काउंट करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो इनकम है या ये सारे एक्सपेंसेस ओवरकम होने हैं वो यूनिट कास्ट पे ही होने हैं। फ्यूल कास्ट इज द मेजर पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग कास्ट एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड। देयरफॉर वी शैल कंसीडर द फ्यूल कास्ट अलोन फॉर द फर्दर कंसीडरेशन। तो जितने आपने ये चार्जेस देखे हैं, स्टाफ सैलरी है, तो वो एक पावर प्लांट के लिए कांस्टेंट है, उसके 4 यूनिट हैं 6 यूनिट हैं, वो जितना स्टाफ है वो उसके ऊपर कांस्टेंट रहेगा। इंटरेस्ट है बैंक का या डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं वो उसी तरह कांस्टेंट रहेंगे। मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट भी ओवरऑल पूरे प्लांट की काउंट की जाती है। तो इन चीज़ों को तो हम कांस्टेंट मानेंगे कि ये अगर किसी प्लांट पे हो रही हैं तो उसका यूनिट किसी स्पेसिफिक यूनिट के साथ लेना देना नहीं, पूरे प्लांट के साथ है, और वो टोटल कास्ट जो है वो हर यूनिट, हर पावर यूनिट जिसके ऊपर जो है हम जनरेशन करेंगे वो एक जैसा रहेगा। लेकिन फ़र्क आएगा तो फ्यूल कास्ट पे आएगा कि एक यूनिट जो है वो 100 मेगावाट देने के लिए जो है 100 मेगावाट 24 आवर देने के लिए फर्ज करो 90 टन फ्यूल खर्च करता है, तो दूसरा शायद 88 टन करें। तो ये जो 2 टन ऑफ फ्यूल कम इस्तेमाल करेगा तो हम उस यूनिट को प्रेफर करेंगे ताकि हमारा जो है फ्यूल बचे और कास्ट बचे। तो इस चीज़ को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस यूनिट को ज़्यादा लोड दें, उससे ज़्यादा जनरेट करवाएं जो ज़्यादा इकनॉमिकल है, जो कम फ्यूल खर्च करता है, जबकि बाकी फैक्टर किसी एक पावर प्लांट के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं। इसलिए उनको निगलेक्ट करते हुए हम फोकस करेंगे फ्यूल कास्ट पे, और फ्यूल कास्ट के बेस पे जो है हम यूनिट्स के दरमियान जो पावर जनरेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू गेट द डिफरेंट आउटपुट पावर वी नीड टू वेरी द फ्यूल इनपुट। फ्यूल इनपुट कैन बी मेजर्ड इन टन्स पर आवर एंड मिलियन ऑफ BTU पर आवर। तो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ यूनिट्स यूज होते हैं। अगर आप जो है वो सॉलिड या लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो आप टन्स पर आवर में करेंगे, और अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं तो फिर मिलियन ऑफ BTU पर आवर यूनिट यूज़ कर सकते हैं। Knowing the cost of the fuel in term of rupees per ton and rupees per million BTU, input to the generating unit can be expressed as rupees per hour. तो अगर आपको fuel cost भी given हो तो आप जो है per ton या per million BTU तो आप directly जो है rupees में भी value निकाल सकते हैं। यानी अगर फर्ज करें एक plant आपका 100 टन पर आवर जो है वो कंज्यूम कर रहा है फ्यूल, और एक टन की कीमत जो है वो फर्ज करें 10,000 है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 1 million rupees पर आवर। तो इस तरीके से जो है आप यूनिट्स की जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनका इनपुट निकाल सकते हैं। लेट CI रुपीस पर आवर बी द इनपुट कास्ट ऑफ ए जनरेटिंग पावर ऑफ ए PI मेगावाट यूनिट इन यूनिट I। हम एक फर्जी यूनिट ले रहे हैं, यूनिट उसको हम I का नाम देते हैं, I मीन कोई भी। तो उसकी जो कास्ट है वो सी है, सी आई है रुपीस पर आवर, जबकि वो जनरेट कर रहा है पावर इन मेगावाट। फिगर शो द टिपिकल इनपुट आउटपुट कर्व ऑफ ए जनरेटिंग यूनिट। अगर आप ये देखें इस फिगर को तो यहाँ पे आपको जो है ये इस तरफ
वाई एक्सिस पे आपको कास्ट इन रुपीज़ नज़र आ रही है और एक्स एक्सिस पे आपको जनरेटिंग पावर इन मेगावाट नज़र आ रही है। तो जैसे जैसे हम पावर बढ़ा रहे हैं कास्ट भी बढ़ रही है और ये एक तकरीबन कर्व शेप है, लेकिन इस पोर्शन में थोड़ी सी लीनियर है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम पी आई और पी मैक्सिमम लिमिट किसी भी यूनिट की होती हैं कि आपने मैक्सिमम इस इतनी पावर इससे जनरेट कर सकते हैं और मिनिमम रिकमेंडेड होती है उसके डॉक्यूमेंट में कि इस लेवल तक मिनिमम आप चला सकते हैं, इससे नीचे नहीं। तो किसी भी यूनिट की ये लिमिट होती हैं कि वो इतनी मिनिमम और इतनी मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकता है, तो आपने इन दोनों लिमिट्स के दरमियान में ही उसको ऑपरेट कराना होता है। फॉर ईच जनरेटिंग यूनिट देयर शैल बी ए मिनिमम एंड मैक्सिमम पावर जनरेटेड एज पी आई मिनिमम एंड पी आई मैक्सिमम। इफ द इनपुट आउटपुट कर्व ऑफ द यूनिट इज ए क्वाड्रेटिक, we can write ci is equal to alpha i pi square plus beta i pi plus gamma i rupees per hour। तो हम किसी भी कास्ट को जो है फंक्शन ऑफ पावर में इस तरीके से लिख सकते हैं। ए पावर प्लांट मे हैव सेवरल जनरेटर यूनिट्स if the input output characteristic of different generator unit are identical, then the generating unit can be equally loaded, but generating unit will generally have different input output characteristic. This mean that for the particular input cost the generator power pi will be different for different generating units in a plant. So kisi bhi पावर प्लांट पे जितने यूनिट होते हैं बेशक वो एक ही कंपनी के एक ही मॉडल के क्यों ना हों, एट द एंड उनके अंदर इंस्टॉलेशन के बाद जब चलाया जाता है तो उनके अंदर जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है, कभी भी वो आइडियली आइडेंटिकल नहीं हो सकते। अगर किस्मत से कोई ऐसा निकल आए तो और बात है ना, लेकिन नॉर्मली जनरली 99.9% केसेस में वो आइडेंटिकल पावर करेक्टरिस्टिक नहीं होंगी, उनकी थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होगा। तो उन डिफरेंस को देखते हुए ही हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अगर आइडेंटिकल होंगे तो फिर सिंपली आप उनको इक्वली लोड दे के आसानी से फ्री हो सकते हैं, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। तो क्या करना है अब हम देखते हैं। एज वी शैल सी दैट क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड बिटवीन एनी टू यूनिट इज बेस्ड ऑन वेदर द इंक्रीजिंग द जनरेशन ऑफ वन यूनिट एंड डिक्रीजिंग द जनरेशन ऑफ अदर यूनिट बाय द सेम अमाउंट रिजल्ट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल कास्ट। तो हमने देखना ये है कि जब हमने अगर उन दोनों को इक्वल लोड दे दें और उसके बाद किसी एक प्लांट का लोड उस इक्वल अमाउंट वाली से थोड़ा सा बढ़ाएं और उतना ही दूसरे का कम करें, तो जो टोटल कास्ट पड़ेगी दोनों यूनिट की वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। अगर कम हो रही है तो हम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा जो है वो आगे की स्टेप की तरफ जाते जाएंगे, यानी कि जिस तरफ जिसके बढ़ाने से प्राइस कम हो रही है उसका बढ़ाते जाएंगे और जिसके कम करने से प्राइस कम हो रही है तो उसका कम करते जाएंगे। तो एक टाइम आएगा कि वो हम अपनी एक उस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे जो कि मिनिमम लेवल होगा कास्ट का। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़ वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इनपुट कास्ट डेल्टा सी आई for a small change in power delta pi. Since derivative of ci over dci over dpi is equal to delta ci over delta pi,
we can write delta ci is equal to dci over dpi into delta pi. यहाँ इस इक्वेशन से हम डेल्टा सी आई की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेगी डेरिवेटिव ऑफ सी आई ओवर पी आई इंटू डेल्टा पी आई. दस वाइल डिसाइडिंग द ऑप्टिमल शेड्यूलिंग वी आर कंसर्न्ड विद द डी सी आई ओवर डी पी आई विच इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कास्ट which is determined by the slope of the input output curve. तो वो जो कर्व हमने पीछे देखी है ये वाली, इसकी स्लोप की वैल्यू के ऊपर जो है वो बेस करेगी डी सी आई ओवर डी पी आई और इसको हम कहेंगे इंक्रीमेंटल कास्ट. दस द इंक्रीमेंटल कास्ट कर्व इज ए प्लॉट ऑफ डी सी आई ओवर डी पी आई वर्सेज पी आई. यानी कि ये जो स्मॉल चेंज ऑफ कास्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ पावर चेंज है वर्सेस पावर, ये जो ग्राफ है ये कहलाता है इंक्रीमेंटल कास्ट. ये जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ग्राफ, ये आई सी यानी इंक्रीमेंटल कास्ट है और इंक्रीमेंटल कास्ट जो है वो डी सी आई और डी पी आई होती है. रुपीस पर मेगावाट आवर इसका यूनिट होगा और ये जो है पी आई जो है वो इन मेगावाट होगा. तो नॉर्मली जो लाइन होती है ये फुल लाइन जो है वो आपको थोड़ी सी कर्वी नज़र आ रही होगी, उसको जो है लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के ज़रिए स्ट्रेट लाइन के साथ हम लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकें. The dimension of DCI over DPI is a rupees per megawatt hour. The unit that has the input-output relation as CI is equal to alpha PI square plus beta PI plus gamma I rupees per hour. इसको हम equation number one कहेंगे, जिसमें input और output के कर्व के रिलेशन को शो किया जाता है यानी कास्ट वर्सेस पावर जनरेटिंग. एंड हैज इंक्रीमेंटल कास्ट एज आई सी इज इक्वल टू डी सी आई ओवर डी पी आई, वो इसी का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू पावर. तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये टू अल्फा पी आई हो जाएगा और यहाँ से जो है ये पी आई ख़त्म हो जाएगा, वन हो जाएगा तो बीटा आई आ जाएगा और गैमा के साथ क्योंकि पी नहीं है ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. तो इंक्रीमेंटल कास्ट जो है इस इक्वेशन की वो आएगी टू अल्फा आई पी आई प्लस बीटा आई. हेयर अल्फा बीटा एंड गैमा आर द कांस्टेंट. इंक्रीमेंटल कास्ट आई सी आई इन रुपीज पर मेगावाट and PI in the megawatt. A typical plot of IC versus power output shows in the figure. The figure shows that incremental cost is quite linear with respect to power output over an appreciable range. In analytical work, the curve is usually approximated by one or two straight lines. The dashed line in the figure is a good representation of curve. ये जो dashed line है ये approximate करके इस curve की थोड़ी सी shape को जो है हमने एक linear line में किया है, लेकिन बास curve इतनी ज़्यादा curvy होती हैं कि एक straight line से हम उसको approximate नहीं कर पा रहे होते. तो फिर हम upper और lower limit करके दो लाइन लगाते हैं और उससे जो है हम जो है काम लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन का. वेरियस जनरेटिंग यूनिट्स इन ए प्लांट जनरली हैव डिफरेंट इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. सपोज दैट द टोटल लोड इन द प्लांट इज सप्लाइड बाय द टू यूनिट्स
and that the division of the load between these units in such that the incremental cost of one unit is higher than that of the other unit. Now suppose some of the load is transferred from unit with higher incremental cost to the unit with the lower incremental cost. जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि डिफरेंट यूनिट्स की जो इनपुट आउटपुट करैक्टरिस्टिक है या जो कास्ट है पर यूनिट वो डिफरेंट होती है, और अगर हम ये सपोज करें कि एक प्लांट है जिसके सिर्फ दो यूनिट हैं और हमने उन दो यूनिट के दरमियान जो है जो टोटल लोड है उस प्लांट का जो इवॉल्व हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने अगर अपनी कास्ट को कम करना है तो हम जो है देखेंगे कि इंक्रीमेंटल कास्ट जो है वो कहाँ पे है। नाउ सपोज सम ऑफ द लोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द यूनिट विद हायर इंक्रीमेंटल कास्ट, यानी हमने पहले क्या किया कि अगर हमें 200 मेगावाट का लोड मिला तो हमने दोनों को 100-100 दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेशन के लिए। फिर हमने क्या किया कि एक में से 10 मेगावाट उठा के दूसरे यूनिट को दे दिए, यानी यूनिट ए और बी फर्ज कर ले, हमने 100-100 देने थे, यूनिट ए को हमने 110 दे दिए और यूनिट बी को हमने 90 दे दिए। तो उस सूरत में हम देखेंगे कि कास्ट पे क्या अफेक्ट आता है। रिड्यूसिंग द लोड ऑन वन यूनिट विद हायर इंक्रीमेंटल कास्ट विल रिजल्ट इन द greater reduction of the cost than increase in the cost of adding in the some amount of load to the unit with the lower incremental cost. अब फर्ज करें, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए कहूँगा कि अगर एक के ऊपर हमारी कास्ट आ रही है 5000 रुपीस पर मेगावाट और दूसरे पे आ रही है 6000 रुपीस पर मेगावाट, तो अगर हम 5000 वाले को 10 मेगावाट एक्स्ट्रा दे दें और उधर से हम वो 10 मेगावाट कम कर लें, तो हमें क्या हुआ कि जिसकी 6000 मेगावाट वाले से हमने जब 10 यूनिट कम किए तो हमें जो है बचत हो गई कितने की, 60000 रुपये। और वही 10 यूनिट जब हमने 5000 पर मेगावाट वाले को दिए तो उस पे कास्ट आ गई 50000, तो हमने उधर 60000 बचाए, इधर हमने 50000 इंक्रीज किए, तो एट द एंड हमें 10000 रुपए की बचत हो गई। सिर्फ 10 यूनिट हमने ज़्यादा दिए कम कास्ट वाले को। इसी तरीके से अगर आप 20 यूनिट करेंगे तो 20000 मेगा रुपीज़ की बचत हो जाएगी, 30 यूनिट आप उसको दे देंगे तो 30000 की हो जाएगी। लेकिन ये याद रखें कि आपने कम कास्ट वाले को भी एक लिमिट तक ज़्यादा दे सकते हैं यूनिट, ये नहीं है कि उसकी मैक्सिमम पावर जनरेटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं दे सकते। और बाद अवकात ये भी होता है कि जब आप दूसरे यूनिट को देते जाते हैं तो उसकी कास्ट भी एक पॉइंट पे, क्योंकि ये एक जैसी कांस्टेंट कास्ट नहीं होती बल्कि पावर जनरेशन के साथ साथ वो भी चेंज होती रहती है, तो कर्व क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है ऑन वाई एक्सिस बल्कि वो एक स्लोप है, तो वो जैसे जैसे उसकी पावर यूनिट बढ़ते जाएंगे वो उसकी कास्ट पर यूनिट भी बढ़ती जाएगी, तो एक स्टेज आएगी कि वो बेशक अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा होगा सस्ते वाला यूनिट, लेकिन सस्ते वाला प्लान, लेकिन उसकी कास्ट उससे बढ़ जाएगी जो पहले हमें महंगा पड़ रहा था। द ट्रांसफ़र ऑफ लोड फ्राम वन टू अदर कैन बी कंटिन्यूड विद द रिडक्शन ऑफ द टोटल कास्ट अनटिल द इंक्रीमेंटल कास्ट ऑफ द टू यूनिट्स बिकम इक्वल। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ले लें कि आपके पास ये एक प्लांट है, एक पावर स्टेशन है जिसके दो यूनिट्स हैं, एक को हमने ब्लू लाइन से शो किया है और एक को हमने
रेड लाइन से छोड़ दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक वक्त है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिट नंबर वन की कास्ट ज़्यादा है और यूनिट नंबर टू जो कि रेड लाइन या मैरून लाइन से है उसकी कम है। अब अगर हम इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे और इसकी पावर कम करते जाएंगे तो ये एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे दोनों की पावर कास्ट जो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आके जो है आप यूनिट नंबर वन को लोड दे या टू को दे एक जैसा होगा, और इवन जो है इससे आगे अगर आपने लोड देना है तो यूनिट नंबर वन जो पहले आपको कास्टली पड़ रहा था वो अब सस्ता पड़ेगा और यूनिट नंबर टू महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने पावर इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो यूनिट नंबर वन को ज़्यादा दें, यूनिट नंबर टू को कम दें। अगर आपने इस रीजन में करनी है तो दोनों को बराबर दे सकते हैं, और अगर आपने पावर लेवल इस इधर देना है तो यूनिट नंबर टू सस्ता पड़ रहा है हमें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक रियल सिचुएशन की कर्व है जिसमें आपको एक ही यूनिट किसी रीजन में वो सस्ता पड़ेगा, किसी रीजन में वो आपको महंगा पड़ेगा, और आपने जो टोटल पावर है उसकी बेस पे कि वो कितनी कितनी देनी है, किस रीजन में आ रही है, वो मैक्सिमम के करीब आ रही है या मिनिमम वाली साइड पे आ रही है या मिडल में आ रही है, उस हिसाब से आपने फैसला करना है। इनिशियली IC2 इज़ ग्रेटर देन IC1, ये यहाँ की बात हो रही है कि IC2 जो है वो IC1 से ज़्यादा है। डिक्रीजिंग द आउटपुट पावर ऑफ यूनिट टू, इसको अगर हम डिक्रीज करते जाएंगे और इसकी पी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बाय डेल्टा पी, यानी कि आप 5 यूनिट 10 यूनिट इस तरीके से आप चेंज कर करके देखते जाएंगे, तो IC2 into delta P is greater than IC1 into delta P. delta P उतना ही होगा, यानी कि 10 यूनिट आपने एक से लिए दूसरे को दिए तो 10 मेगावाट जो डेल्टा P है वो दोनों तरफ बराबर आएगा, लेकिन आप उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे उस इंक्रीमेंटल कास्ट से तो आप देखेंगे 10 देयर विल बी मोर डिक्रीज इन द कास्ट एंड लेस इंक्रीज इन द कास्ट bringing the total cost lesser। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है कि वही अगर आप 10 मेगावाट आप एक से लेंगे तो आपको 60,000 की बचत देगा, दूसरे को देंगे तो वो 50,000 का ख़र्चा कराएगा, तो 60,000 की बचत वर्सेस 50,000 का ख़र्चा एट द एंड आपको 10,000 बच जाएंगे। दिस चेंज कैन बी कंटिन्यूड अनटिल IC1 इज इक्वल टू IC2, यानी कि ये हम चेंज इसका कम करते जाएंगे, इसका बढ़ाते जाएंगे, एक स्टेज पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फर्दर रिडक्शन इन द P2 एंड इंक्रीज इन द P1 विल इन IC1 ग्रेटर देन IC2। अगर आप मज़ीद इसको कम और इसको ज़्यादा करेंगे तो इस स्टेज पे जाके जो है ये IC1 जो है उसकी कास्ट बढ़ जाएगी IC2 की नस्बत। उल्टा जो है अगर उससे आप ये इस तरह काम करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो आपकी कास्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। दैट द टोटल कास्ट विल बी मिनिमम व्हेन द इंक्रीमेंटल कास्ट आर इक्वल, जब IC1 और IC2 इक्वल होंगे तो वो स्टेज जो है वो मिनिमम कास्ट की स्टेज होगी। द सेम रीजन कैन बी एक्सटेंडेड टू ए प्लांट विद मोर देन 2 जनरेटिंग यूनिट ऑल्सो, ये 2 की एग्जाम्पल है, इसकी जगह 4 भी हो जाए तो इसी लॉजिक पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इंक्रीमेंटल कास्ट जो है उसको कंपेयर किया जाता है। इन दिस केस इफ एनी 2 यूनिट्स हैव डिफरेंट इंक्रीमेंटल कास्ट देन इन ऑर्डर टू डिक्रीज द टोटल कास्ट ऑफ जनरेशन decrease the output power in the unit having higher IC and increase the output power in the unit having lower IC. incremental cost 3 हैं 4 हैं यूनिट सबकी निकाल दें और उसमें देखें जिसकी सबसे हायर है उसको रिड्यूस करते जाएं और जिसकी सबसे लो है उसकी इंक्रीज करते जाएं, और जब वो लोअर वाला
किसी तीसरे यूनिट की कास्ट से इंक्रीमेंटल कास्ट उसकी बढ़ने लगे तो उसको वहीं पे स्टॉप करके उसकी तीसरे यूनिट की कास्ट को पावर को बढ़ाना शुरू कर दें और वो भी जब उस लेवल पे आ जाए तो इस तरीके से जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन के साथ सेम पैटर्न पे हम कर सकते हैं। व्हेन दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड ए स्टेज विल रीच वेयर इंक्रीमेंटल कास्ट ऑफ ऑल द यूनिट विल बी इक्वल। जिस तरह यहाँ दो यूनिट की इक्वल हो गई थी एक स्टेज पे, वहाँ पे तीन चार पाँच जो भी यूनिट हैं वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उनकी कास्ट भी इक्वल हो जाएगी। नाउ द टोटल कास्ट ऑफ जनरेशन विल बी मिनिमम। दस द इकोनॉमिकल डिवीजन ऑफ ए लोड बिटवीन यूनिट विद इन ए प्लांट इज दैट ऑल द यूनिट मस्ट बी ऑपरेट एट द सेम इंक्रीमेंटल कास्ट। नाउ वी शैल गेट द सेम रिजल्ट मैथमेटिकली। तो ये हमने ग्राफिकली देखा कि इस तरीके से हम जब सम इंक्रीमेंटल कास्ट या आईसी जो है वो तमाम यूनिट का इक्वल आ जाएगा तो वो पॉइंट होगा जहाँ पे मिनिमम कास्ट ऑफ द प्लांट आएगी। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर ए प्लांट हैविंग एन नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट। अब एन से मुराद कुछ भी हो सकता है, 5, 7, 10, 12, 6, 4 जो भी है। इनपुट आउटपुट कर्व ऑफ द यूनिट्स आर डिनोटेड एज आपको पता ही है सी आई इंटू पी आई यानी कि C1 P1 C2 P2 एंड सो ऑन CnPn। हर एक की जो कास्ट है इनपुट कर्व में वो सी आई से हम कहते हैं। तो सी आई अगर वन पहला यूनिट है तो सी वन होगा ऑफ पावर वन यानी उस वैल्यू पे जो कि उस वक्त उसकी पावर की है। आवर प्रॉब्लम इज फॉर ए गिवन लोड डिमांड पी डी यानी कि वो पावर वैल्यू जो कि पूरे प्लांट को दी गई है। फाइंड द सेट ऑफ पी आई विच मिनिमाइज द कास्ट ऑफ कास्ट फंक्शन यानी कि टोटल कास्ट जो है वो सी वन पी वन सी वन ऑफ पी वन सी टू ऑफ पी टू एंड सो ऑन सी एन ऑफ पी एन इन सब का जो टोटल कास्ट होगी प्लस करके वो जो है हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट एक ये भी है कि जो टोटल डिमांड है माइनस टोटल पावर जनरेशन इज इक्वल टू जीरो यानी कि आप कि जितनी डिमांड है वो इन तमाम यूनिट ने मिलके पूरी कर दी हो, ना ज़्यादा ना कम, जितनी डिमांड है उसके मुताबिक जो है तमाम की पावर्स का सम उसके इक्वल आना चाहिए। और एक और कंडीशन जो है वो इसके साथ है कि पी आई किसी भी यूनिट की जो उस वक्त पावर वैल्यू है जो आप देंगे जिसके ऊपर कास्ट मिनिमम है वो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के अंदर हो, मिनिमम से ज़्यादा हो या बराबर हो और मैक्सिमम से कम हो या बराबर हो यानी कि विद इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। ओमिटिंग द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट फॉर द टाइम बीइंग द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बिकम मिनिमाइज। अगर हम इस वक्त इन चीज़ों को छोड़ के हम टोटल कास्ट पे फोकस करें तो टोटल कास्ट जो है वो सम है सी आई ऑफ पी आई जितनी भी यूनिट्स हैं उनकी कास्ट को इकट्ठा कर लिया जाए। अगर 6 यूनिट हैं तो उन 6 यूनिट की कास्ट का जो सम होगा वो टोटल कास्ट होगी। लेकिन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेन पी डी इज माइनस सम ऑफ पी आई इज इक्वल टू जीरो। जो उतनी डिमांड या जितनी उससे डिमांड की गई थी पावर जनरेशन की उसने वो सारी डिमांड पूरी कर दी हो, तमाम यूनिट के पावर को अगर हम इकट्ठा करें तो वो डिमांडेड पावर के इक्वल होना चाहिए। दिस ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम विद इक्वालिटी कंस्ट्रेंट कैन बी सॉल्व बाई द मैथड ऑफ लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। इन दिस मैथड द लैग्रेंजियन फंक्शन इज फॉर्म्ड बाई
augmenting the equality constraint to the objective function using proper Lagrangian multiplier. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक मल्टीप्लायर ऐड करना पड़ता है, और जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और ये मल्टीप्लायर ऐड करने का मेथड याद किया लैग्रेंजियन, उसी के नाम पे इसको लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर और लैग्रेंजियन फंक्शन का नाम दिया गया. फॉर दिस केस लैग्रेंजियन फंक्शन इज एल इज इक्वल टू पी वन पी टू एंड सो वन पी एन एंड लैम्डा, यानी कि जितने आपके पास पावर यूनिट थे, वेरिएबल थे जिनकी पावर वैल्यू, उनके साथ साथ आपने एक फंक्शन या मल्टीप्लायर ऐड कर दिया, वो है लैम्डा, और वो इक्वल है सम ऑफ सी आई ऑफ द पी आई प्लस लैम्डा इनटू पी डी माइनस सम ऑफ पी आई, वेयर लैम्डा इज द लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर. Now this Lagrangian function has to be minimized with no constraint on it. The necessary condition for a minimum are now Now this Lagrangian function has to be minimized with no constraint on it. The necessary condition for a minimum are dl over d pi dp I is equal to zero. यानी कि जब हम पावर के हिसाब से हम इसके डेरिवेटिव लें तो एट द एंड जो है हमें ज़ीरो मिले, एंड डी एल ओवर डी लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो. फॉर ए प्लांट विद यूनिट थ्री, हम देखते हैं कि तीन यूनिट वाला एक प्लांट की हम एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम उसका लैग्रेंजियन फंक्शन देखें तो वो होगा पी वन पी टू पी थ्री और लैम्डा इज इक्वल टू सम ऑफ सी आई पी आई था, सी वन ऑफ पी वन सी टू ऑफ पी टू सी थ्री ऑफ पी थ्री प्लस लैम्डा इंटू पी डी माइनस पी वन पी माइनस पी टू माइनस पी थ्री, यानी पी वन पी टू और पी थ्री की टोटल पावर को माइनस करें पी डी से तो वो ज़ीरो आनी चाहिए. नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मिनिमम आर डी एल ओवर डी पी डी पी वन. पहले हम P1 के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो जब P1 के हिसाब से लेंगे तो P2 P3 जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे, और जो है DC1 ओवर DP1 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, प्लस लैम्डा इनटू जो है P1 की जगह माइनस वन आ जाएगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ये माइनस वन आ जाएगा और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. इसी तरह जब हम P2 के हिसाब से लेंगे तो फिर सिर्फ DC2 ओवर DP2 बचेगा, प्लस लैम्डा इंटू माइनस वन होगा. जब हम P3 के हिसाब से लेंगे तो वो भी सेम होगा, और जब हम DL ओवर D लैम्डा लेंगे, लैम्डा के हिसाब से लेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा और लैम्डा की जगह वन आ जाएगा, और ये पूरा फंक्शन पी डी माइनस पी वन पी एन पी टू माइनस पी थ्री बन जाएंगे और ये इज इक्वल टू ज़ीरो होंगे. जनरलाइजिंग द अबाव नेसेसरी कंडीशन आर डी सी आई ओवर डी पी आई इज इक्वल टू लैम्डा. जो डेरिवेटिव है वो लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर नाइन है. और पी डी टोटल डिमांड जो है वो सम ऑफ पावर ऑफ ऑल यूनिट सिम के इक्वल होनी चाहिए ताकि वो
अगर माइनस करें तो 0 आए। तो ये कंडीशन को हमने मीट करते हुए सोल्यूशन निकालना है। हेयर डी सी आई ओवर डी पी आई इज द चेंज इन प्रोडक्शन कास्ट इन ए यूनिट फॉर ए स्मॉल चेंज इन जनरेशन इन ए यूनिट आई। दस द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम इज मिनिमाइजिंग द टोटल कास्ट सी टी सब्जेक्ट टू द पी डी माइनस सम ऑफ पी आई इज इक्वल टू 0 इज ऑब्टेन व्हेन द फॉलोइंग इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। यानी कि ये हमारा शुरू में जो है वो था कि हमने ये मीट करना है मिनिमाइज करते हुए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। अब हम जब लैग्रेंजियन कांस्टेंट के ज़रिए जो कि लैम्डा है उसके ज़रिए ये कैसे अचीव करेंगे, इज ऑब्टेन व्हेन द फॉलोइंग इक्वेशन आर सेटिस्फाई। जब हमें इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कर देंगे कि डी सी आई ओवर डी पी आई को हम लैम्डा के इक्वल कर देंगे और साथ ही जो है पावर की डिमांड पी डी माइनस सम ऑफ पी आई इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा जो है सोल्यूशन निकल सकता है। द अबव टू कंडीशन गिव एन प्लस वन नंबर ऑफ इक्वेशन, यानी कि जितने यूनिट हैं प्लस वन नंबर ऑफ इक्वेशन बन जाएंगी। यानी अगर 3 यूनिट हैं तो 4 इक्वेशन बनेंगी, 5 यूनिट हैं तो 6 इक्वेशन बनेंगी। विच आर द सॉल्व फॉर द एन प्लस नंबर ऑफ वेरिएबल्स पी वन पी टू एंड सो ऑन पी एन एंड लैम्डा। तो जितनी इक्वेशन हैं उतने ही अननोन वैल्यूज होंगी, तो वो इक्वेशंस की मदद से हम अगर हमारे पास 3 इक्वेशन हो और 3 अननोन चीज़ें हों तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर 5 अननोन वेरिएबल्स हों और 5 इक्वेशन हों तो उनको सॉल्व किया जा सकता है मैथमेटिक्स में। तो सेम पैटर्न पे हम इसको अब सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 9 सिंपली से दैट द मिनिमम कास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट द इंक्रीमेंटल कास्ट फॉर ऑल द जनरेटिंग यूनिट मस्ट बी इक्वल। दिस कंडीशन इज कॉमनली नोन एज इक्वल इंक्रीमेंटल कास्ट। इक्वेशन 10 इज नोन एज ए पावर बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन 9 जो है जिसमें डी सी आई ओवर डी पी आई इज इक्वल टू लैम्डा है, इसको हम इक्वल इंक्रीमेंटल कास्ट रूल कहते हैं। और जो इक्वेशन नंबर 10 है पी डी माइनस सम ऑफ पी आई इज इक्वल टू 0, इसको हम पावर बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। जितनी डिमांड थी उतनी ही पावर जो है हमने जनरेट की। इट इज आल्सो बी रिमेंबर दैट द वी हैव नॉट येट कंसीडर द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट गिवन बाय पी आई मिनिमम। पी आई इज इक्वल टू बिटवीन पी आई मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो हमें जो है उसको सोल्यूशन के बाद इसको भी देखना है कि जो पी आई वैल्यू किसी भी यूनिट के लिए आई है क्या वो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान है भी कि नहीं। Fortunately, if the solution obtained without considering the inequality constraint satisfies the inequality constraint also, then the obtained solution will be optimum. यानी कि अगर आपने उन 5-6 equations को सॉल्व कर लिया और वो हर एक की पावर हर यूनिट की कैलकुलेट की और वो तमाम पावर जो हैं वो उन यूनिट की मुतलका यूनिट की मैक्सिमम या और मिनिमम लिमिट के दरमियान आई तो आप बहुत लकी होंगे और आपको मज़ीद कुछ नहीं करना होगा और वो सोल्यूशन काबिल कबूल होगा। इफ़ वन आर मोर जनरेटर यूनिट्स द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट आर नॉट सेटिस्फाइड द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी is obtained by keeping these generator unit in their nearest limit and making the other generator unit to supply the remaining power as per equal incremental cost rule. तो उसमें जो है ये होगा कि अगर वो उस लिमिट को कहीं क्रॉस कर रहा है, मिनिमम को क्रॉस कर रहा है, तो वो फिर मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा। और अगर वो मैक्सिमम को क्रॉस कर रहा है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू आप ले लेंगे और फिर बाकी यूनिट्स की जो है वैल्यू उसको एडजस्ट करेंगे ताकि जो है
टोटल पावर जो है वो पूरी कर सकें हम, जिनको हम मज़ीद आगे चल के एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। एक एग्ज़ाम्पल तो अभी हम यहाँ पे शेयर करेंगे आपसे। एग्जाम्पल वन जो है हम अभी देखते हैं, द कास्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ टू यूनिट्स इन ए प्लांट आर C1 इज इक्वल टू 0.4 P1 स्क्वायर प्लस 60 P1 प्लस K1 रुपीज पर आवर, और C2 इज इक्वल टू 0.45 P2 स्क्वायर प्लस 120 P2 प्लस K2 रुपीस पर आवर। तो ये दो यूनिट हैं एक ही प्लांट पे जिनकी इंक्रीमेंटल कास्ट या कास्ट करेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है। वेयर P1 एंड P2 आर द पावर आउटपुट इन मेगावाट, फाइंड द ऑप्टिमम लोड एलोकेशन बिटवीन द टू यूनिट्स व्हेन द टोटल लोड इज 162.5 मेगावाट and what will be the daily loss if the unit are loaded equally। कि इस पावर स्टेशन को टास्क मिला है कि 162.5 मेगावाट उसने जनरेट करने हैं और उसके पास दो यूनिट हैं। अब अगर हम आसान तरीके में दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें लोड के, 50% वो जनरेट करे 50% वो लोड जनरेट करे, तो उस सूरत में कास्ट क्या होगी। और जो ऑप्टिमम तरीका है लैग्रेंजियन फंक्शन के तहत निकाल के वैल्यू, वो कितनी आएगी एक एक यूनिट को, और अगर वो करेंगे तो वो कास्ट कितनी आएगी। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कहते हैं कि अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जो कास्ट आएगी और जो मिनिमम कास्ट आ रही है, और उन दोनों सिचुएशन के दरमियान अगर 24 घंटे पावर प्लांट ऑपरेट करेगा इक्वली पे नाट के मिनिमम पे, तो कितना हमें एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा, कितना हमें लॉस होगा। तो ये हम चेक करते हैं। इंक्रीमेंटल कास्ट जो है, ये C1 और C2 की जो इक्वेशन दी हुई है, इंक्रीमेंटल आपको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू पी जो है वो डेरिवेटिव होता है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इक्वेशन वन का, तो ये 2 जो है 0.4 से मल्टीप्लाई होकर 0.8 बन जाएगा P1 प्लस 160 आ जाएगा, P1 ख़त्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और K वाला पोर्शन जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसी तरीके से जो है जो सेकंड इक्वेशन C2 की है, इसमें भी जब 2 मल्टीप्लाई 0.45 से होगा तो ये 0.9 P2 हो जाएगा प्लस 120 हो जाएगा। तो कास्ट करेक्टरिस्टिक से इंक्रीमेंटल कास्ट की वैल्यू हमने डेरिवेटिव लेके ले ली। अब यूजिंग द इक्वल इंक्रीमेंटल कास्ट रूल, इंक्रीमेंटल कास्ट इक्वल इंक्रीमेंटल कास्ट रूल ये है कि हम जिस सिचुएशन में चाहते हैं उसमें IC1 और IC2 इक्वल होने चाहिए। तो IC1 को हम लैम्डा के बराबर ले लेते हैं और IC2 को भी हम लैम्डा के बराबर ले लेते हैं। P1 प्लस P2 जो है हमारे पास टोटल जो पावर डिमांड है वो 162.5 की है। अब हम क्या करते हैं, P1 में वैल्यू रखेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से P1 की जो वैल्यू आएगी वो अगर हम निकालें तो वो होगी लैम्डा माइनस 160 डिवाइडेड बाई 0.8, और इसी तरह इस इक्वेशन से होगी लैम्डा माइनस 120 डिवाइडेड बाई 9। तो इस इक्वेशन में दोनों में हमने P1 और P2 की जगह ये वैल्यूज रख दी।
और इसको इक्वल टू 162.5 कर दिया, तो अब इस इक्वेशन में देखें एक ही वेरिएबल बच जाता है, एक ही अननोन क्वांटिटी है जो कि है लैम्डा। इस इक्वेशन में से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और वो लैम्डा की वैल्यू जो है वो आप देखें कि यहाँ पे निकालेंगे जब हम इनका एलसीएम लेंगे और ये रकम जो है वो इधर जाके जो माइनस है वो उधर जाके प्लस हो जाएंगी, जबकि लैम्डा के साथ ये वैल्यूज 1/0.8 और 1/0.9 रहेंगी। इसको आप जिस तरीके से भी सॉल्व करें तो एट द एंड जो है हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है 210 रुपीज़ पर मेगावाट आवर। नोइंग द 0.8 P1, अब इसी लैम्डा की वैल्यू को हम जब P1 वाली इक्वेशन में करेंगे जिसमें हमने कहा था 0.8 P1 प्लस 160 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 210 रखें तो हम जो है P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं जिसमें 210 माइनस 160 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8, तो ये 62.5 आ जाएगा। जबकि यही P2 वाली इक्वेशन में जब हम लैम्डा की वैल्यू 210 रखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 100 मेगावाट। तो इन इक्वेशन से हमें पता चला कि अगर हम मिनिमम कास्ट पे प्लांट को ऑपरेट करना चाहते हैं तो 162.5 का लोड हमें इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि P1 को हम 62.5 दें और P2 को हम 100 मेगावाट दें, तब हमारी कास्ट मिनिमम होगी। When the units are equally loaded, अगर हम equal load करते तो दोनों को बराबर बराबर load आता, वो आता कितना 81.25। तो we have deviated from optimum value, optimum value P1 की 62.5 थी और P2 की 100 थी, जबकि हमने दोनों को 81.25 दिया, तो तकरीबन हमने 18.75 जो है वो हमने कम एक को दिया और एक को उतना ही ज़्यादा दे दिया। तो उस सूरत में अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या होगा, डेली लॉस कैन बी कंप्यूटेड बाय कैलकुलेटिंग द टोटल कास्ट विच इज़ C1 प्लस C2 फॉर द टू शेड्यूल। टोटल कास्ट जो है वो हमारी एक केस जो है वो है 81.5 25 के हिसाब से, एक है 6200 के हिसाब से। दोनों के दरमियान जो कास्ट का फर्क आएगा उसको वो एक घंटे का होगा क्योंकि रुपीज़ पर आवर है और 24 घंटे एक डे में हमें कितना पड़ेगा, हम 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब CT हम निकालेंगे इन वैल्यू को, P1 की वैल्यू उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन में C1 इज इक्वल टू 0.4 PI1 स्केयर प्लस 160 PI प्लस K प्लस इसी तरीके से ये वाले, इन दोनों में P1 की वैल्यू हम 81.25 पुट करें और इसमें भी 81.25 पुट करें तो जो कास्ट बनती है माइनस, अगर इसमें हम 62 पुट करें 62.5 और इसमें 100 पुट करें और वो जो वैल्यू निकलती है उसकी, तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो तकरीबन जब मल्टीप्लाई बाई 4 से होगा तो 7171 यानी 7171.87 रुपये बनता है। 24 घंटों में हम 7000 रुपये बचा लेंगे अगर हम बराबर लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय इस इक्वेशन के जरिए ऑप्टिमाइज लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीक हम एक और एग्जांपल करेंगे और उस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद मज़ीद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर हम ट्रांसमिशन लॉसेस की तरफ आएंगे। उम्मीद है कि इस एग्जांपल के बाद काफ़ी हद तक आपको कास्ट, इंक्रीमेंटल कास्ट और लैग्रेंजियन कांस्टेंट की जो है वो समझ क्लियर आएगी आई होगी। फिर भी अगर कोई
क्वेश्चन आपके होंगे तो यकीनन हम जो है अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस कर लेंगे पहले आगे कंटिन्यू करने से। तो ट्राई करें इसी तरीके से मुख्तलिफ वैल्यूज खुद रख के कैलकुलेट करने की, और जो लोग पावर प्लांट पे काम कर रहे हैं वो अगर अपने रियल प्लांट के डेटा लेके उसको सॉल्व करके देखें कि वो क्या वाकई ही उस सिस्टम पे चल रहे हैं, इकोनॉमिक डिस्पैच सिस्टम पे कि नहीं चल रहे, और अगर चल रहे हैं तो उनका रियल कैलकुलेशन और जो रियल वहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं उनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है। काइंडली आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते।